हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल लेट्स फॉर सक्सेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो एंगल है, कोण हिंदी में कहते हैं उसको। तो ये हम अक्सर हम लोगों ने देखा है कि एंगल जो होता है, हम लोग क्लास फाइव से कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको इस चीज को हम लोग हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, हर किसी न किसी फॉर्म में सिलेबस में लोगों को आ जाता है, ठीक है। कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, आज हम उसको समझेंगे उसी टॉपिक को। क्योंकि ये अभी जब अभी आप लोग और मतलब क्लास नाइन्थ में भी एक चैप्टर है टॉपिक, इसमें जो है एंगल एंड लाइन एंड एंगल्स है, ठीक है। तो ये भी वहां से भी एक जो है टॉपिक जो है वहां से क्लियर हो सकता है, ठीक है। स्पेशली मैंने 5 to 10 के लिए मैंने इसको बनाया है कि क्लास फाइव के जो स्टूडेंट है, क्लास फाइव से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट इसको स्टडी कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि इनके उनके लिए एक तरह से नॉलेज मिल जाएगा उनको इसके बारे में जो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये है एंगल कोण। जब कोण होता क्या है, पहली बात यह क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज एंगल, एंगल होता क्या है। तो अगर देखा जाए तो एंगल में कोई मतलब एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, केवल हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टू लाइंस है, ठीक है, कोई भी टू लाइंस है और जो सेकेंड लाइन है मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच की जो गैपिंग होगी ये चीज हम उसको बोलेंगे एंगल, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, मतलब कितना डिस्टेंस है, हम इस डिस्टेंस को मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक आता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उससे हम इसको मेजर करते हैं, और इन्हीं जो गैपिंग होती है इन दो लाइंस के बीच में, हम उन्हीं को बोलते हैं एंगल, जी को बोलते हैं कोण, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। सेकेंड हमारा है राइट एंगल, ये एंगल का साइन है, हल्का एल टाइप में है, देखेंगे ऐसे ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। और ये पता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, ये दोनों इक्वल होता है इसमें, एक इसमें क्या ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और ये सीधा होगा, ठीक है। हमने इसको शॉर्ट में लिखा है राइट एंगल मतलब सम कोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल ऋजु रेखा, और रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण, और कंप्लीट एंगल पूर्ण एंगल पूर्ण कोण, ठीक है। अच्छा, अब न्यून कोण कितने इसका होता है, किसको हम बोलेंगे कि ये न्यून कोण है या एक्यूट एंगल है। जब कोई भी एंगल कोई भी कोण अगर लेस देन 90 होगा, यानी लिखा हुआ लेस देन 90, अगर 90 से कम है, 90 से कम, ठीक है, 90 से कम मतलब लेस देन 90 अगर है, कोई भी एंगल बना हो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, लेकिन एक्यूट एंगल होगा मतलब न्यून कोण होगा। सेकंड आते हैं राइट एंगल, जो भी एंगल एक्यूट एंगल एक भी बना दिया एक्यूट एंगल का, हम यहाँ पे जैसे ये है, ये है, ये इसका बेस हो गया, या हमने ऐसे एंगल बना दिया, ये क्या शो करेगा, एक्यूट एंगल को शो करेगा मतलब न्यून कोण को ये बताएगा, ठीक है। अब आते हैं समकोण। समकोण कैसा होता है, समकोण ये होता है, ये एल एल टाइप का, जो भी एंगल ऐसे बन जाएगा एल टाइप का, यहाँ पर जो एंगल देख रहे हैं ये लग रहा है कि सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट, ये इसके स्ट्रेट है और ये जो है इसके स्ट्रेट है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का साइन होता है ऐसे, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इस जब एंगल ऐसा कोई एंगल बन जाए इसको बोलते हैं समकोण या राइट एंगल एंगल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। 90 से ग्रेटर होगा कोई भी एंगल, यहां बना लेते हैं, यहां बनाते हैं, कोई भी जो एंगल होगा वो
90 से ग्रेटर है, मतलब 90 जहां ऐसे होता है हम इसका इधर बना लेते हैं। तो एंगल हमारा कैसे बनता है, इधर का पोर्शन खाली होता है, हमें जहां एंगल जिस साइड से एंगल हम नहीं बनाया होते जिस पॉइंट से उधर से उसको मेजर करते हैं। तो मेजर करके क्या मिलेगा, ये यहां से यहां तक ये हो जाएगा 90 डिग्री, इधर हो गया तो ये 90 से ज्यादा हो गया, तब ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, मतलब अधिक कोण हो गया क्योंकि 90 से ज्यादा हो गया। बट ये क्या है लेस देन 180 है, 180 से कम है, क्यों, क्योंकि 180 क्या होता है ये होता है 180, मतलब इंस्टेंट टाइम जो होती है वो क्या होती है 180 डिग्री होती है। ये इससे 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे अधिक कोण, मतलब ये इसका फिगर ऐसा बनेगा हमेशा, मतलब इस 90 के जस्ट हमेशा बाद ही होगा, यानी मतलब अगर 90.01 भी है हम उसको ऑब्टूज एंगल में पुट करेंगे, ठीक है। अगर 90 है तो हो जाएगा समकोण, 90 से जरा सा भी कम हुआ, अगर 0.001 भी अगर कम हो गया तो आप उसको एक्यूट एंगल में करोगे, 90 हो गया तो राइट एंगल हो जाएगा और 90 से जरा सा भी आगे हो जाएगा तो भी हो जाएगा ऑब्टूज एंगल, बट 180 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को एक सरल रेखा भी कहते हैं, रिजु रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन है जो सीधा, ये क्या है, ये पता है कि ये यहां से अगर एंगल अगर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे आप अपना चांदा जिसको कहते हैं हम लोग चांद यहाँ पर रखेंगे, ये यहां से लेकर के यहां तक आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री बनेगा। इसलिए एक जो है सिंपल लाइन को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं या उसको सीधी रेखा भी कहते हैं, ठीक है, उसको 180 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वृहत कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स मतलब अभी ये एंगल ऐसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था, अब ये क्या होगा, अब देखा लोगों ने यहां से यहां बढ़ा फिर सीधा हुआ फिर इधर गिरा, अब क्या होगा, अब उसको और नीचे गिरा देते हैं, कहने का मतलब फिगर को हम ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, मतलब यूं ऐसे करके ऐसे, अब इतना एंगल बन गया। अब ये एंगल कैसा बना, हमको पता है कि अगर ऐसे इतना तक होता तो क्या होता 180 होता, लेकिन अभी 180 से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन 360 से लेस है, इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। यहां से अपन मान लो कि ये 190 डिग्री है, 90 तो होगा नहीं, ये लग रहा है कि 230 दे देते हैं, 230 के आसपास है, ठीक है, 230 डिग्री है ये, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, बृहद कोण है, ठीक है, क्योंकि 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, ठीक। और लास्ट में आता है हमारा क्या, कंप्लीट एंगल मतलब पूरा राउंड, क्या होगा कंप्लीट एंगल, मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरा एंगल है, एक चक्कर अगर कोई लगा लिया तो हो जाएगा हमारा क्या कंप्लीट एंगल, इसी को बोलते हैं पूर्ण कोण भी कहते हैं, मतलब 360 डिग्री अगर पूरा बन गया तो हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल होता है, ठीक। अच्छा अब चलते हैं एंगल में ही, और कुछ एंगल्स होते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं या ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो इसको इरेज कर लें। कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोटी पूरक को हिंदी में कहते हैं, इसको बोलते हैं सम पूरक, ठीक है। जिसको कंफ्यूजन है एस फॉर स याद रखेगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हिंदी वाले को इंग्लिश में या इंग्लिश वाले को हिंदी में, ठीक है। तो अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि अगर दो एंगल हमारे, अगर दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो हम उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट एंगल या कंप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल दो एंगल ले लेते हैं, सपोज 30 और 60 है ना, तो क्या है 30 और 60 है, अगर इन दोनों का सम अगर
90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, हम इनको कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बोलेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, क्लियर। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर कोई एंगल है जिसका मेजरमेंट है सपोज 35 डिग्री, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये पता करना है। हमको पता है कि इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो अगर इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, ठीक है, कुछ भी ऐड करते हैं यहाँ पर, तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब इसमें क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए, इसका मतलब ये बता रहा है, वो यही बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड कर दे कि 90 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस 90 से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है या क्या हो सकता है। तो 90 से माइनस करेंगे अगर 35 में क्या मिलेगा, 55, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, सपोज चलिए बताइए, अगर किसी एंगल का का जो एंगल का मेजरमेंट अगर x डिग्री है, कितना है, x डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, सिंपल सा है, क्यों, कैसा होगा। अब हमने यहाँ ये देखा कि अगर ये 35 था, हमने पूछा कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, हमको नहीं पता था, हमने क्या किया, 90 से इसको माइनस किया, तो यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल गया। अब सेम थिंग इज हियर कि अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, 90 से माइनस करने पर मिल जाएगा, तो 90 माइनस करने पर क्या मिलेगा हमको, तो 90 से अगर एक्स को माइनस करेंगे तो यही एंगल हमको मिल जाएगा, 90 माइनस एक्स एंगल, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल इसका हो जाएगा, ठीक, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अब करते हैं, इसको बता रहे हैं संपूर्ण कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, 90 होता है, दो एंगल्स का सम, टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, वैसे ही संपूर्ण कोण जो होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स का सम जिसका 180 डिग्री हो, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट, ठीक है, जैसे 40 हो गया, इसका जो सप्लीमेंट होगा 140 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कर ले कि कोई एंगल है 135, अब ये पूछेगा कि इसका सप्लीमेंट एंगल क्या है, इसका सप्लीमेंट्री क्या है, ठीक है, मतलब इसका सप्लीमेंट एंगल क्या है, हमको पता है इसका सप्लीमेंट एंगल वही होगा जिसको ऐड करने पर हमको 180 मिल जाए, ठीक है, क्या करेंगे, 180 से इसको माइनस कर देंगे, उसका आंसर आपको मिल जाए, ठीक। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया, अब थोड़ा चलते हैं, जब हमारा जो डिग्री होगा वो डिग्री जो हमारा एंगल होगा, सॉरी एंगल होगा जो डिग्री के साथ साथ वो मिनट में भी दिया होगा और सेकंड में भी दिया होगा, तब उसको कैसे हम लोग माइनस करेंगे, तब कैसे उसका हम कॉम्प्लीमेंट एंगल या सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा जल्दी से, सपोज ले लीजिए हम 35 डिग्री 40 मिनट 35 सेकेंड, देख लीजिए, क्लियर, ये सेकेंड का साइन है, ये मिनट का साइन है, और ये डिग्री का साइन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको किसे माइनस करना पड़ेगा, अब मैं बोलू कि इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे हम इसको, इसको 90 से माइनस करना पड़ेगा, अब बताइए कैसे माइनस करें 90 से, अब कुछ नहीं करना है, बस इसको ऊपर यहां से हटा दिए, इसको यहां से हटा दिए, इसको यहां से हटा दे रहे हैं,
अब पहले ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, 90 लिख देंगे। ये क्या है, 90 डिग्री है। मिनट कितना है, 00 है। सेकंड कितना होगा, 00 होगा। और नहीं होगा क्योंकि इसमें मिनट तो है नहीं, ना ही कोई सेकंड है। अच्छा अब देखिए, ये सेकंड है, ये मिनट है और ये डिग्री है, उसका मतलब ये क्या है, घंटा मान लेंगे इसको, ठीक है। ये घंटा है, ये डिग्री है, मतलब ये क्या है, ये घंटे, घंटे में हम इसको मानते हैं कि ये घंटा है, आवर है। अब ये आर है तो क्या होगा, अब जब ये, अब यहाँ 35 है, अब इसको हमको माइनस भी करना है, ठीक। अब 35 को माइनस करना है, जीरो से माइनस होगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, 12 करेगा, इसके पास भी नहीं, ये जाएगा इसके पास। और जब ये इसको देगा जो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आर है, ये मिनट है, तो 60 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये कट पे जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 89, ठीक है। यहाँ ये कट करके हो जाएगा 89, ठीक है। अब ये 60 फिर इसको देगा, ये मिनट है, सेकंड को देगा, तो 1 मिनट यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 59 मिनट। अब इसको यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 60 माइनस 35 हो जाएगा 25 सेकेंड, और 59 माइनस 40 हो जाएगा 19 मिनट, और 89 माइनस 35 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, मीन्स 54 डिग्री 19 मिनट 25 सेकेंड, ये इसका आंसर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीमेंट एंगल हो गया, ठीक। अब आते हैं, अगर इसी का हम निकालना पड़े हमको क्या, कंप्लीमेंट एंगल, तो क्या करेंगे, इसका भी वही हल करेंगे, यहाँ 90 है तो क्या करेंगे, 180 पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। बाकी सभी तो सब कुछ सेम ही रहेगा प्रोसेस, जैसे हम यहाँ से 12 किए, यहाँ से इसको किए, यहाँ से माइनस कर दिए, ठीक है। तो बस अभी फिलहाल इतना ही है आज के वीडियो में, अगले वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग और सीखेंगे कुछ और भी एंगल्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।